हुण मैं बेनती करूंगा पंजाब दे प्रभारी जरनैल सिंह जी नूं कि उह स्टेज ते आके सीएम साहब दा अरविंद केजरीवाल जी दा स्टेज ते स्वागत करन। जरनैल सिंह जी इनकलाब इनकलाब किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता आम आदमी पार्टी तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार दे किसान मारू कानूनों के खिलाफ आज बागे पुराने की इस धरती से किसानों की आवाज नूं बुलंद करन आए आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई का सब तो वड्डा नां ईमानदार राजनीति का सब तो वड्डा प्रमाण मंच से सुशोभित साडे सब दे प्यारे दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब सूबे दे प्रधान भाई भगवंत मान जी लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल सिंह चीमा जी सारे MLA साहिबान आम आदमी पार्टी के सारे अहुदेदार ते समूह साध संगत जी फतेह की सांझ प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी च लिखिया किरसाणी किरसान करे लोचे जीओ लाए हल जोते उद्दम करे मेरा पुत धी खाए। जे वाहिगुरु तो बाद किसी नूं अन्नदाते का दर्जा दिता है तो वह किसान नूं दिता है। पर साडी बदनसीबी है कि केंद्र विच पूंजीपतियां दे हत्थां विच किदां दी सरकार विकी बैठी है जिसने इन्हां किसानां नूं महीनियां तो सड़कां ते रोल रखिया। मैनूं याद है 26 नवंबर तो पहलां दे उह दिन जदों पंजाब तो किसानां ने दिल्ली वल कूच कीता सी हजारां लखां दी गिणती विच वाटर कैनन चलते हुए अथरू गैस दे गोले चलते हुए हरियाणा टप्पे तो दिल्ली दी मोदी सरकार नूं भड़तू पै गए। दिल्ली दी मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार नूं एक चिट्ठी लिखी दिल्ली पुलिस राही ते कहा कि दिल्ली दे जड़े भी स्टेडियम दिल्ली सरकार दे कोल हैगे वड्डे वड्डे 9 स्टेडियम वो जेलां बनाउण वास्ते दिल्ली पुलिस नूं दे दित्ते जाण ताकि इस अंदोलन नूं उत्थे ही डक दित्ता जावे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि खड़ना किहनूं कहिंदे है। इह मेरे हथ प्रमाण मैं तुहानूं पढ़ के दसदा इहदे च की लिखिया किसानों की मांगे जायज है। यह केजरीवाल साहब की सरकार ने लिखा केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत मान लेनी चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतवासी का संवैधानिक हक है। उसके लिए इन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस को इस अर्जी को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नामंजूर करती है। इनू कहंदे ने खड़ना। जे आज कोई बीजेपी के खिलाफ खड़ सकता है तो है उस शख्स का ना है अरविंद केजरीवाल। जे आज कोई बीजेपी नू हरा सकता है उस शख्स का ना है अरविंद केजरीवाल। जे आज नरेंद्र मोदी की अखा विच अखा पा के इदां दे ऑर्डर कोई पास कर सकता है उस शख्स का ना है। जे आज बीजेपी नूं कोई 3 बार लगातार हरा सकता उस शख्स का ना है। जे अज कोई फसलों की MSP दे सकता है उस शख्स का ना है। खड़ना इनू कहते ने। खड़ना इनू नहीं कहते। साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री वास्ते तो एक ED का नोटिस ही बथेरा। वो तो ED ने नोटिस तो डर के घरों बाहर नहीं निकलता। दिल्ली आया अमित शाह मिल के चले गया मिले तक नहीं। ये जो 2 दिन तो खबर अटाई जाते हैं करोना आ गया करोना आ गया। जे कांग्रेस पश्चिम बंगाल च रैली करे तां नहीं करोना आउंदा। करोना तो डर नहीं लगता। डर किस तो लगता? डर केजरीवाल तो लगता कि जिदा दिल्ली में जीरो करता कांग्रेस नूं उदा पंजाब भी जीरो करने वाला। इस चीज़ का डर है ते बहुता तुहाडा टाइम ना लैंदा होया। एक बेनती करना चाहुंदा परसों 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है। शहीद भगत सिंह नूं जदों उन्हां दे माता जी जेल च अखीर वार मिलन गए
तो उन्हें क्या कोई नहीं माता मैं फिर मुड़ के आऊंगा। तो शहीद आजम भगत सिंह की माता जी कहते कि मैं तेन पछाणगी कि कहता जो कोई देश वास्ते लड़ता देश दे समझी मैं ही हाँ। तो सलाम है अज साडे सारिया च भगत सिंह की तुहाडे सारिया च रूह वसदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखीर विच मानयोग अरविंद केजरीवाल का स्वागत करता होया सिर्फ आही दो लैणा कहना चाहना कि आती है अगर आंदियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने को ही खुदा ने तुझे गढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।